डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि वियोजन अभिक्रिया। हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन कर रहे हैं, इसमें हम संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है वियोजन अभिक्रिया। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, डिकम्पोज होना या वियोजन होना, टूटना, इसका मतलब है टूटना। जब एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, ठीक है, बाहर से कोई एक्सटर्नल हम उसको प्रभाव डाल रहे हैं और उस प्रभाव की वजह से वो दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, तो इस तरह की अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, ए बी कोई एक अभिकारक है और जैसे ही हम इसको ऊर्जा देते हैं तो ये ए और बी दो उत्पाद बना देता है। इस तरह की अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बना देता है वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि ये आप इसे समझ सकते हैं कि ये एक अभिकारक है ए और बी, जैसे ही अभिक्रिया हुई इसको मैंने ऊर्जा दी, ऊर्जा देते ही ये दो में सेपरेट हो गया ए और बी। इस तरह की अभिक्रिया क्या कहलाएगी? वियोजन अभिक्रिया। और इसको दी जाने वाली ऊर्जा के अकॉर्डिंगली हम इस वियोजन अभिक्रिया को तीन हिस्सों में बांट सकते हैं, इसको तीन तरीके से पढ़ सकते हैं। पहली है ऊष्मीय वियोजन, दूसरा है वैद्युत वियोजन और तीसरा है प्रकाशीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन यानी कि थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसमें ऊष्मा दी जाती है, ठीक है। वैद्युत डिकम्पोजिशन या वियोजन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी मेन सोर्स है। तीसरा है प्रकाश, यानी कि जिसमें सनलाइट, सूर्य का जो प्रकाश है वो ऊर्जा का काम कर रहा है डिकम्पोजिशन कराने के लिए, ठीक है। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ऊष्मीय वियोजन के एग्जाम्पल्स देखते हैं। आपके बुक में सबसे पहला जो एग्जांपल दिया गया बेटे वो है FeSO4 का डिकम्पोजिशन दिखाया गया है। जो रिएक्शन दिखाई गई है वो सीधी दिखाई गई है, लेकिन वो सीधी नहीं होती, उसमें एक ट्विस्ट होता है। वो ट्विस्ट क्या है बेटे कि FeSO4 जो होते हैं क्रिस्टल्स, बड़े सुंदर लाइट ग्रीन कलर के ये क्रिस्टल्स होते हैं, ये क्रिस्टल्स में कुछ अमाउंट मॉइस्चर भी प्रेजेंट होता है। एक फेरस सल्फेट का मॉलिक्यूल 7 मॉलिक्यूल्स पानी के अपने साथ बांध के रखता है, ठीक है। जब हम इसको हीट करते हैं, यानी कि हम इसको ऊष्मा दे रहे हैं, ऊष्मा देते ही क्या होगा, जो ये 7 पानी के मॉलिक्यूल से सबसे पहले ये इवेपोरेट होना शुरू कर देंगे। अब बच जाएगा क्या? फेरस सल्फेट, पानी इसमें से इवेपोरेट हो गया। उसके बाद जो ये फेरस सल्फेट सॉल्यूशन व्हाइट कलर का, ये सॉरी जो सॉलिड फॉर्म में बच जाता है और इसका कलर हो जाता है व्हाइट। पहले इसका लाइट ग्रीन कलर था, जैसे ही पानी इसमें से निकला इसका कलर हो गया व्हाइट। अब इसको हम फर्दर अगर हीट करते हैं, ठीक है, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का ही टाइम होता है, तो जैसे ही हम इसको हीट करते हैं ये एक और कंपाउंड बनाता है Fe2O3 फेरस ऑक्साइड प्लस में SO2 प्लस SO3। ये दोनों जो है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दोनों गैसेज होती है और गैसेज एकदम से निकल जाती है, ठीक है। और यहाँ पे बच क्या जाता है, सिर्फ एक पाउडरी फॉर्म में एक कंपाउंड बच जाता है फेरिक ऑक्साइड, और इसका जो कलर होता है बेटे वो ब्राउन कलर का आप देख सकते हो, ठीक है। टेस्ट ट्यूब ली आपने, उसमें फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन डाला, पहले लाइट ग्रीन कलर था, फिर इसका कलर व्हाइट हो गया, फिर इसका कलर ब्राउन हो गया। इसमें से गैसेस कौन सी निकल गई? SO2 और SO3 गैसेस बाहर निकल गई। तो पहला एग्जाम्पल तो ये था। दूसरा आपके बुक में जो दिया गया है टेस्ट वो है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाए CaCO3 when heated, यानी कि ऊष्मा अगर उसको दी जाती है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं संयोजन अभिक्रिया में। जब संयोजन इन्होंने किया था तो CaCO3 बना था, ठीक है, आपको याद हो। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर कन्वर्ट्स इनटू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर इसने रिएक्ट किया था कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो लास्ट में बना था CaCO3।
थ्री, ठीक है। ये सारी प्रोसेस मैं आपको बता चुकी हूँ, ये इसी का रिवर्सल है, ठीक है, ये इसी का रिवर्स में है, यानी कि आप कह सकते हो कि जो वियोजन अभिक्रिया है वो संयोजन की ही विपरीत अभिक्रिया है, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो एग्जांपल है बेटे वो है लेड नाइट्रेट का। लेड नाइट्रेट को जब ऊष्मा दी जाती है यानी कि हीट किया जाता है, ताप दिया जाता है, तो ये कन्वर्ट होता है लेड ऑक्साइड में, ठीक है। जो लेड नाइट्रेट होता है इसका कलर होता है व्हाइट, सॉलिड फॉर्म में होता है, इसका कलर होता है व्हाइट, और ये लेड ऑक्साइड बना देता है जिसका कलर होता है येलोइश, ठीक है, येलोइश ऑरेंज कलर इसका होता है। इसके साथ ये NO2 प्लस ऑक्सीजन भी बनाते हैं, दो गैसेस बनाते हैं, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दूसरी ऑक्सीजन। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब निकलती है, ठीक है, यहाँ पे अभिक्रिया हो रही है, इसको हमने हीट कर दिया, ये बर्नर है मान लो, ठीक है, हम इसको हीट कर रहे हैं, ये हमारा स्टैंड है, तो दो गैसें निकलती हैं NO2 और दूसरी ऑक्सीजन। NO2 जो गैस है बेटे ये इसका कलर होता है ऑरेंज ब्राउन, ऑरेंज ब्राउन इसका कलर होता है, ठीक है, तो ये तो आपको कलर से पता लग जाएगी। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस को आप चेक करने के लिए क्या करेंगे, एक अगरबत्ती लेंगे जलती हुई, और जब हम इसके अंदर डालेंगे तो वो अगरबत्ती जल उठेगी, ठीक है, तो वो प्रेजेंस शो करती है ऑक्सीजन की। ये तो थे बेटा ऊष्मीय वियोजन। उसके बाद दूसरा जो है हमारा टॉपिक वो है वैद्युत वियोजन। विद्युत की प्रेजेंस में आपकी बुक में इस तरह का सेटअप एक दिखाया गया है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स दिखाए गए हैं, इलेक्ट्रोड्स के ऊपर दो टेस्ट ट्यूब्स दिखाई गई हैं, ठीक है, ये जो टेस्ट ट्यूब्स हैं ये एक बैटरी से जोड़ रखी हैं, ठीक है, एक बैटरी से जोड़ रखी हैं, इसमें एक कैथोड है, एक सिरा कैथोड है, दूसरा एनोड है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस तरफ ऑक्सीजन लिखा हुआ है और इस तरफ हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे पानी डाल रखा है और कुछ बूंदे उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल की मिला रखी हैं, कुछ बूंदे, ये बैटरी जो है वो 6 वोल्ट की है, ठीक है, और ये प्लास्टिक का मग है, क्योंकि प्लास्टिक जो मग होता है बेटे वो रिएक्ट नहीं करता, इसलिए प्लास्टिक मग यूज किया जाता है, या तो बोरोसिलिकेट के आते हैं जो कांच के आते हैं, अदरवाइज प्लास्टिक मग इसमें यूज किए जाते हैं। अब इसमें दो ग्रेफाइट की रोड्स होती हैं, उनके एक को नाम दे दिया गया कैथोड का, दूसरे को एनोड का, उनके ऊपर दो टेस्ट ट्यूब उल्टी करके रख दी गई, ठीक है। अब देखा क्या जाएगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करेंगे तो यहाँ पे जो पानी है ना बेटे, इस पानी का डिकम्पोजिशन शुरू हो जाएगा, यानी कि वियोजन शुरू हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी पानी टूटता है, पानी को यहाँ पे किस तरह की ऊर्जा दी गई, वैद्युतीय ऊर्जा, ठीक है। पानी में दो चीजें होती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। अब हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन, पहले ये इस तरह से टूटता है, उसके बाद यहां से हाइड्रोजन भी इससे अलग हो जाता है, और हाइड्रोजन ये जाकर के दोनों मिल जाते हैं, H2 बना देते हैं, और ऑक्सीजन इस तरह से बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होती है, 2H2O, 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं हाइड्रोजन के, और एक मॉलिक्यूल बनाता है ऑक्सीजन का, दो मॉलिक्यूल वाटर के, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको क्लियरली शो हो रहा है कि जो हाइड्रोजन में है वहां पे ज्यादा एयर इकट्ठी होती दिख रही है आपको, यहाँ पे खाली स्पेस ज्यादा दिख रहा है कंपेयर टू दिस वन, एनोड की तरफ। ये कैथोड की तरफ क्यों जा रहा है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैथोड की तरफ जाएगा, और जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो एनोड की तरफ माइग्रेट करते हैं आयन्स, ठीक है। तो जितने भी आयनी कंपाउंड्स हैं उनके वियोजन के लिए हमें वैद्युत वियोजन करना पड़ता है, क्योंकि उनमें आयन्स होते हैं और आयन्स को हम इसी तरह से सेपरेट कर सकते हैं। तो इसको हम किस तरह से देखेंगे, वैसे ही हम एक मोमबत्ती लेंगे, ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन वाली टेस्ट ट्यूब के पास उस मोमबत्ती को लेके जाएंगे तो मोमबत्ती बुझ जाएगी, लेकिन वहीं अगर हम ऑक्सीजन वाली टेस्ट ट्यूब के पास उस मोमबत्ती को लेके जाएंगे तो वो ज्यादा तेज
जलने लग जाएगी, ठीक है, वो प्रेजेंस शो कर रहा है ऑक्सीजन की। यहाँ पे स्पेस ज्यादा क्यों दिख रहा है, मैं ये बता रही थी, हाइड्रोजन वहां पे आप देख रहे हैं क्लियरली, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ऑक्सीजन का सिर्फ एक मॉलिक्यूल बन रहा है पर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन का जो आपको स्पेस दिख रहा है वो कुछ ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का उससे आधा मिलेगा। तो ये था वैद्युत वियोजन। NaCl का जो डिपोजिशन, सॉरी वियोजन है बेटे, डिकम्पोजिशन, वो भी इसी तरह से होता है, क्योंकि सोडियम पे चार्ज होता है पॉजिटिव और क्लोरीन पे नेगेटिव, उसी तरह से सोडियम मेटल बन जाएगा और क्लोरीन गैस बनेगी, ठीक है। तो गैस जो है वो इवेपोरेट इस तरफ हो जाएगी, मेटल का डिपोजिशन हो जाएगा कैथोड की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं इसको इजीली। उसके बाद थर्ड है प्रकाशीय वियोजन, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में जो वियोजन हो रहा है उस तरह के वियोजन को हम क्या कहेंगे, प्रकाशीय वियोजन। इसमें आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है AgCl का। AgCl क्या है, ये चांदी का आपको पता होना चाहिए, ये चांदी का सिंबल है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। इस सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट में रखा जाता है, यानी कि धूप में अगर हम इसको रख देंगे, वैसे इसका व्हाइट कलर होता है, लेकिन जैसे ही हम इसको धूप में रख देंगे ये इसका कलर चेंज हो जाएगा और इसका कलर हो जाएगा ग्रे, ठीक है, प्लस क्लोरीन। इसको आप बैलेंस करेंगे, यहाँ पे टू क्लोरीन है, आप इसके आगे टू लगाएंगे, ये टू हो गया तो हमें इसके आगे भी टू लगाना पड़ेगा, तो इसका कलर जो है वो ग्रे हो जाता है। तो इसका व्हाइट से ग्रे कलर क्या शो कर रहा है कि इसका डिकम्पोजिशन हो गया है। और इसी का एक और एग्जाम्पल है AgBr, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन की जगह पे ब्रोमाइड जो एलिमेंट है वो आ गया, सिल्वर ब्रोमाइड। इसको भी सनलाइट में रखेंगे तो इसका भी डिकम्पोजिशन हो जाएगा Ag+Br, ठीक है। उसी तरीके से ये जो दोनों चीजें हैं AgCl और AgBr, यानी कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, ये दोनों ही व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में यूज किए जाते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ये यूज किए जाते हैं, ठीक है। और ये बहुत महंगा होता है AgCl, अराउंड 550,000 के अराउंड इसके कुछ ग्राम्स मिलते हैं, ठीक है, ये बहुत महंगा होता है, तो इसको हम लैब में नहीं दिखा सकते, बाकी जो एक्सपेरिमेंट है जितना हो सकेगा हम लैब में देखेंगे। तो ये जो अभिक्रियाएं थी बेटे हमने अभी तक देखी है, ये वियोजन अभिक्रिया थी। इनमें एक बात आपने कॉमन देखी होगी कि सबको तोड़ने के लिए किसी न किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी की हमें जरूरत पड़ी, ठीक है, वो चाहे उष्णीय ऊर्जा थी, चाहे वैद्युतीय ऊर्जा थी, चाहे वो प्रकाशीय ऊर्जा थी, हमें किसी न किसी एनर्जी उसको हमें देनी पड़ी। तो इस तरह की अभिक्रियाएं जिसमें हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़े रिएक्शन को करवाने के लिए, इस तरह की अभिक्रियाएं कहलाती हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। ऊष्मा शोषी यानी कि जो ऊष्मा का अवशोषण करती हैं, इस तरह की अभिक्रियाएं कहलाती हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस। दिस वॉज ऑल अबाउट वियोजन अभिक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा बेटे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप वॉचिंग द वीडियोज़।